छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल होकर छत्तीसगढ़ ने केंद्र राजकोष में अपना योगदान दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति से अलग रखा है। जीएसटी अधिनियम के हमारे अधिकार की जगह वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से कर्ज लेने को कहा, जो काफी निराशाजनक है। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक थी और उसमें भी केवल ये चर्चा हुई कि जो दो ऑप्शन हैं, जो दो विकल्प दिए गए हैं वो क्या है, उसकी जानकारियां दी गई और कोई विशेष निर्णय वाली बात नहीं थी। मेरा मत इस संदर्भ में स्पष्ट यही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको लिख के पत्र निर्मला सीतारमण जी को भेज दिया है कि ये लोन जो लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि जो टैक्स जमा हो रहा है कॉम्पनसेशन सेस के खाते में वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही कॉम्पनसेशन सेस के खाते में जा रहा है और एक जगह से लोन लिया जाकर और उसकी भरपाई की जाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए।